क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेत कुमार देवांगन। अभी भौरपुर पे जिस कॉम्प्लेक्स को अतिक्रमण हटाए जाने की बात कही जा रही है, बताया जा रहा है कि तालाब के ऊपर अतिक्रमण कर यह कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, तो किसने ये कॉम्प्लेक्स बनाया था और आप यहाँ पे किस तरह से रह रहे हैं? हमको पंचायत द्वारा ये कमरा आवंटित किया गया है और इसमें हम लोग पंचायत के तरफ से किरायेदार हैं हम लोग। और पिछले मैं लगभग 10 वर्ष से यहाँ दुकान संचालित है, मेरा फोटोकॉपी का दुकान है। और अभी हम लोग को नोटिस मिला है पिछले कुछ दिनों पहले, उसमें ये बताया गया है कि आपके द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जबकि हमको ये कमरा जो है पंचायत की तरफ से हमको आवंटित हुआ है। तो क्या अभी भी आप पंचायत में इसका जो है किराया वो दे रहे हैं? जी, बहुत कमरों का किराया चल रहा है और इधर लगभग 40-42 कमरों का अभी तक किराया, जो 50,000 रुपया हम लोग जब क्या बोलना चाहिए उसको, वो मूलभूत सुविधाओं के लिए ना हम लोग 50,000 रुपये जमा किए थे, उससे वो किराया वसूला जाता है। अच्छा, तो क्या जब भवन बनाया जा रहा था तो क्या इन सब जो बातों को ध्यान में रखकर पंचायत ने भवन का निर्माण नहीं किया कि आगे इस पर कार्रवाई हो सकती है? मेरे पास कुछ दस्तावेज हैं, इसमें कलेक्टर महोदय का आदेश कॉपी है, उसके बाद में ये अटल व्यावसायिक परिसर का ये कार्यालय ग्राम पंचायत जिला पंचायत का कॉपी है, जिसमें शासन का राशि से ये निर्माण हुआ है। उसके बाद में शासन की राशि से ही निर्माण हुआ? जी जी। उसके बाद में गांव वालों का इसमें पंचनामा लगा है। अच्छा। उसके बाद अगला कॉपी इसमें पटवारी हलका नंबर 20 का प्रतिवेदन है और पंचनामा भी है इसमें। उसके बाद में इसमें कागज लगा है भूमि आवंटन के लिए नायब तहसीलदार द्वारा ये अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन दिया गया था कि खसरा नंबर 819 रकबा 1.00 हेक्टेयर में ये व्यवसायिक परिसर निर्माण के लिए ना भूमि की मांग की गई। अच्छा, तो मतलब पंचायत के ऊपर, मतलब पंचायत की तरफ से एक तालाब के ऊपर जो है कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर दिया गया है, तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं, जबकि जो परेशानियों का सामना करना है वो अभी आपको करना पड़ेगा? इसका नियम धर्म जो है पंचायत को भी पता है और शासन को भी पता है, जब शासन आदेश दिया है तो पंचायत बनाया है, जिसकी कॉपी मेरे पास भी है, मौजूद है। हम लोग तो खाली किरायेदार हैं, इसका नियम धर्म क्या है हम लोगों को पता नहीं है। हम लोगों को किराए में दिया गया है और किराए में देने के पश्चात हम लोग दुकान में संचालित हैं और अचानक से हमको नोटिस मिला है कि इसको अब खाली करना है या अतिक्रमण की हो आप लोग करके हम लोगों को नोटिस आया है। अच्छा, तो जैसे कि अभी पंचायत इसको खाली करवाना चाहता है या जो भी विभाग इसको अभी खाली करवाना चाहता है, तो उसके बदले कुछ व्यवस्थापन की बात की जा रही है कि आपको कहीं? नहीं, अभी ऐसी कुछ बात नहीं हुआ है। हम लोगों को 31 तारीख का पेशी मिला है और उसमें अब क्या होता है हमको देखना पड़ेगा, उस दिन आप क्या डिसीजन लेते हैं, क्या आदेश होता है उधर से। तो आपको क्या लगता है फैसला किसके पक्ष में आ सकता है? अब 31 तारीख को ही पता चलेगा, बाकी जैसे माहौल बना है उससे यह साबित होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है व्यावसायिक परिसर, इसको तोड़ा जा सकता है ऐसे सुनने में आ रहा है। आपको क्या लगता है इसको क्या अभी तोड़ा जाना चाहिए इसे, जबकि अभी अगर नियम के हिसाब से जो भी दस्तावेज मेरे को दिख रहा है, अगर इसके हिसाब से तो नहीं टूटना चाहिए ये, और उसके बाद अगर शासन का और कुछ नियम के हिसाब से तोड़ने का होगा तो उनकी मर्जी है। अच्छा, लगभग कितने परिवारों की रोजी रोटी चल रही है अभी इसमें? 55 परिवारों की रोजी रोटी है और इसमें लगभग ऐसे सभी हैं जिनका पूरा परिवार ही खत्म हो जाएगा, जिनको मजदूरी करना पड़ जाएगा और ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है सभी के लिए। तो आप क्यों नहीं प्रशासन से व्यवस्थापन की ऐसी कुछ मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? पंचायत से कर रहे हैं, शासन से कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग आवेदन पेश किए हैं, आपत्ति लगाए हैं और उसका अभी हम लोगों को 31 तारीख को पेशी का डेट मिला है। अच्छा, कुछ दिन पहले ऐसे भी सुनने में आ रहा था कि किसी रसूखदार के इशारे पर भंवरपुर में अतिक्रमण हटाए जाने की बात कही जा रही थी, इस बात को लेकर कितनी सच्चाई आप मानते हैं? अब सुनने में तो मैं भी सुना हूँ, अब उसको मैं प्रूफ नहीं कर सकता तो उसके बारे में मैं बोल के क्या करूँगा वो। अच्छा, सुनने में तो मेरे और जो दूसरी जो कार्रवाई की जा रही है अभी भंवरपुर में अतिक्रमण हटाने की, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अगर रोड की बात की जाए, PWD का रोड है और 30-40 फीट इधर उधर का चौड़ीकरण के हिसाब से रोड में शासन का जगह है, उसके हिसाब से हम लोग को घर का भी नोटिस मिला था तो हम लोग स्वेच्छा से हटा दिए हैं अतिक्रमण। क्या भंवरपुर में क्या लगता है कि केवल तालाब पे यही एक अवैध निर्माण है कि इसके अलावा भी और कहीं कहीं? देखिए, भंवरपुर में निस्तारी की कई सारी तालाबें हैं,
यहीं पास ही में 3 तालाब हैं और वहाँ भी इधर तालाब में अवैध कब्जा है। अगर तोड़ना है तो सब जगह का टूटना चाहिए। व्यावसायिक परिसर ही सबके आँख में क्यों खटक रहा है? अच्छा, क्या लगता है आपको, क्यों इसको केवल निशाना बनाया जा रहा है? इसमें राजनीति भी हो सकता है और कुछ लोगों गांव लोगों का भी, जिनका स्वार्थ भी हो सकता है, या किसी को खटक रहा होगा। कितने सारे परिवारों का जब रोजी रोटी चल रहा है, किसी को दुख भी होता होगा। कोई शिकायत किया है? शिकायत के आधार पर ही कार्रवाई की जा रही है जी। बिना शिकायत के तो शासन नहीं बोलता कि कोई कार्रवाई होगी। और आपको लगता है कि और कहीं अवैध कब्जा है तो उसके लिए फिर शिकायत करना पड़ेगा, तब टूटेगा। मतलब आपका कहना है कि भौरपुर में और भी तालाब है जहाँ पे अवैध निर्माण किए गए हैं? मैं बता रहा हूँ, जब ये शासन के पैसे से बना है, 819 नंबर खसरा नंबर में, यहाँ पे पीछे शासन का पैसा लग के क्या बोलते हैं उसको, ये बिहान बाजार भी बना है, और उसी 819 नंबर में इधर और मकान भी बना है, उनको नोटिस नहीं मिला है। तो क्या सारे निर्माण तालाब के ऊपर है जो एंटी? जब शासन के पैसे से ये बना है और शासन के पैसे से वो भी बना है तो उसको भी तोड़ना चाहिए। तालाब के ऊपर ही है वो भी तालाब के ऊपर उसी खसरे नंबर में है, तो ये तो गलत है ना। क्या नाम है आपका? धनेश्वर दिवांग। कॉम्प्लेक्स से अतिक्रमण हटाए जाने की बात कही जा रही है, इसमें आपका भी दुकान है? हाँ। तो अगर यहाँ से आपका अतिक्रमण हटाया जाता है तो किस तरह की समस्या आपको आएगी? हमारा समस्या, गरीब आदमी है साहब, और ठेला ढुलाते हैं, ठेला दुकान लगाते हैं सामने में और चलाते हैं रोजी रोटी, और जमीन जायदाद कुछ नहीं है, और 5 परिवार हैं, और शादी वादी भी करना पड़ रहा है, और सबका दुख तकलीफ झेल रहे हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे कैसे, किस तरह से आपको यहाँ पे मकान दिया? क्या आपने यहाँ अतिक्रमण किया था या पंचायत की तरफ से? पंचायत से तरफ से किराए में है साहब। तो जब अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो क्या पंचायत यहाँ से विस्थापित कहीं करने की बात कर रहा है, दूसरा मकान दिए जाने की, ऐसे कुछ? अभी कुछ नहीं तो बोल रहा है, टूट रहे बोल रहे हैं। तो आपको क्या उम्मीद है, जैसे कोर्ट पे भी चल रहा है, तो क्या पंचायत आप लोग को व्यवस्थित करेगा या फिर आप ऊपर वाला देखेगा करेगा कि इन करेगा? पंचायत तो आपका अभी मालूम नहीं है वो चर्चा। नौ पटेल। तो इस जिस कॉम्प्लेक्स में अभी मतलब पंचायत द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है, 54 दुकानों को जो तोड़ने की बात कही जा रही है, इसमें आपका भी दुकान है? दुकान है साहब। तो जो अतिक्रमण हटाए जाने पर आपको किस प्रकार की समस्या आएगी? समस्या तो बहुत है, गंभीर समस्या है साहब। किस तरह की समस्या आएगी बताइए थोड़ा? अभी जो परिवार चलत है, परिवार तो मतलब मैं टूट जाएगा तो पहुँच नहीं पाऊँगा। साधन नहीं है, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ। अच्छा, तो आपके परिवार में कोई और नहीं है जो? बेटा भी चले गया एक्सीडेंट में, नाती भी चले गया फांसी लटक के, तो मैं परिवार का किसी से पोसूं पालूं? मतलब अकेला हूँ, चार परिवार हैं, चारों परिवार का मैं जीवन खान पालन पोषण कर। तो क्या लगता है आपको, जो कोर्ट में जो मामला चल रहा है आपके पक्ष में आना चाहिए? आप तुम्हारी मर्जी है सर, और जो भी बने बचाए की कोशिश करो। अच्छा, अगर ये तोड़ जाता है तो उसके बाद क्या होगा? आपके पास कुछ रोजी रोटी का कुछ ऑप्शन है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है केवल इसके अलावा? हाँ, में क्या कर पाऊंगा कुछ, इतनी मतलब 70-72 साल हो गए, मैं क्या काम कर सकूं? और आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं अभी? मोर परिवार में 4-5 परिवार है। 4-5 परिवार है, और मतलब केवल रोजगार का साधन केवल कॉम्प्लेक्स में जो दुकान स्थित था वही? हाँ, वो से। इसके अलावा आपके पास कोई जमीन बाड़ी खेती? कुछ नहीं, कुछ नहीं है ना। मेरा परिचय है अशोक कुमार डनसेना, पिताजी का नाम मंजूलाल डनसेना। अच्छा, अभी भंवरपुर में जो प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये एक तरफा कार्यवाही है, गरीबों की रोजी रोटी का हनन किया गया है और पूरा गरीब जनता का विश्वास घात किया गया है। इसमें जो जितने गरीब थे, जो रोजी रोटी चला रहे थे छोटे छोटे धंधा लेकर, उस पर विश्वासघात किया है। गरीबों का पेटों पर लात मारा गया है, ये सब रोड में आ गए हैं, बेरोजगार हो चुके हैं हम लोग। समस्या घर का खाना पीना सब बंद हो गया है, ऊपर से घर का जो छोटे छोटे लोन लिए थे, छोटे छोटे व्यवसाय के लिए लोन लिए थे, वो सब अभी हमको भारी बोझ होने लगी है सब। अच्छा, आप जो है, आप यहाँ पे अतिक्रमण कर आप किस तरह का व्यवसाय कर रहे थे और आप कितने दिन से काबिज थे? मैं काबिज था करीबन, मेरे पिताजी 40 साल से दुकान चला रहे थे, पान की दुकान थी छोटी सी। हाँ। 40 साल लगभग हो चुका है और उसको मैं आगे बढ़ा रहा था। अच्छा। बस, और उसमें हम पूरा परिवार का लंबा बड़ा परिवार है, उसी में टिके थे, हमारा जीविका उसी में चल रहा था।
तो अभी जैसे कि आपका पूरा रोजगार छीन गया है समझ लीजिए आप, अभी मैं तो रोड में बैठा हूँ, बेरोजगार हूँ, ना दुकान है कहीं। तो अतिक्रमण हटाए जाने के बाद प्रशासन की ओर से किसी तरह की कोई मदद की जा रही है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, जैसे कि प्रशासन कहता है कि विकास के लिए जो है सड़कों पर अतिक्रमण हटाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, रोड तक अतिक्रमण हो चुका था, आने जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, इस बात से लेके आप कितने सहमत हैं? सर, ऐसा कुछ नहीं है, सब व्यवस्था ठीक था, सब अच्छा चल रहा था, कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। अच्छा। शासन इससे पहले एक बार पंचायत में मीटिंग रखा था, जो PWD का नोटिस आया 30 फीट के अंदर दायरे में, तो हम लोग 30 फीट अपना अपना व्यवस्था बना के चला रहे थे रोजी रोटी, इसमें कुछ किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। अच्छा, आगे आप प्रशासन से क्या चाहते हैं, आपकी मदद? मैं मदद बहुत कुछ चाहता हूँ, मेरा घर द्वार सब चल रहा है इसमें, मेरा रोजी रोटी चले, मेरा व्यवस्थापन बनाए, कहीं छोटा सा मेरे को दुकान चलाने लायक जगह दें। मेरा नाम विजय कुमार पंसारी। अभी जैसे प्रशासन द्वारा भौंरपुर में अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही की जा रही है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं इसको ठीक ही नज़रिए से देख रहा हूँ। मतलब बताया जा रहा है बहुत सारे गरीबों का यहाँ पे जो है रोजी रोटी छीन गई है अतिक्रमण हटाए जाने से, तो किस तरह की समस्या आ रही है? कुछ व्यक्ति विशेष लोगों के कारण ऐसा हो रहा है। अच्छा, व्यक्ति विशेष लोगों के कारण। क्या लगता है आपको, किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के कारण प्रशासन? लाभ पहुँचाने के कारण ऐसा हो रहा है। और जैसे कि अभी हमको यहाँ पे जानकारी मिली है कि अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन की ओर से एक ही जगह पे 3 अलग अलग तरह की नोटिस जारी किए गए हैं। हाँ, इस बात में क्या कुछ सच्चाई है, क्या आप इसको थोड़ा विस्तृत से बता सकते हैं? इसमें मेरे को कुछ दाल में कला नज़र आ रहा है, इसलिए कि एक ही लाइन में अगर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, या तो सड़क मत में लिखना चाहिए, या तो 140 फीट के अतिक्रमण में लेना चाहिए। लेकिन किसी को अतिक्रमण घास जमीन बोल रहा है किसी जगह को, और उसी में अतिक्रमण अगर रोड के ऊपर से हटाया जाता है PWD की तरफ से, तो उसमें प्रशासनिक जगह नहीं देखा जाता, तो रोड के अंदर में जो भी आता है, चाहे मंदिर आए, चाहे कब्रिस्तान आए, किसी भी चीज़ को खड़ा जाता है। अच्छा, तो ऐसा क्यों उखाड़ा गया प्रशासन की चीज़ को, अब हमारी चीज़ को क्यों उखाड़ दिया गया? तो जैसे कि अभी आपको लग रहा है कि प्रशासन जो है यहाँ पे जो कार्रवाई कर रहा है वो एक तरह से देखना चाहिए कि न्याय के दृष्टिकोण से संगत नहीं है? नहीं, उसमें तो शंका हो रही है हमें, अब भरपूर यूज से हमको ये शंका हो रही है कि शासन और कुछ व्यक्ति विशेष लोगों का मिली जुली उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है हमको। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई? मेरा कहने का मतलब ये है, अगर अतिक्रमण हटाना है तो हम उसमें भरपूर सहयोग करेंगे, हम स्वेच्छा से उस जमीन को छोड़ने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि एक ही ढंग से होना चाहिए। अच्छा, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ रसूखदार लोगों ने जो है घास भूमि को कुछ पैसे देके अपने नाम पे करवा लिया, इस बात में कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? वैसा तो सुनने में हमको कुछ विश्वस्त सूत्रों से सुनने में आ रहा है कि 12 मार्च तक इसके बारे में कुछ नहीं था पंचायत स्तर पे, लेकिन 12 मार्च के बाद पंचायत स्तर काफ़ी कुछ हलचल हुआ, ऐसा उन्हीं लोगों से पंचायत स्तर में जो हैं या पंचायत से संबंधित जो लोग हैं उनके द्वारा सुनने को मिल रहा है। अच्छा, पंचायत से ही आपको ऐसी बातें सुनने को मिल रहा है, तो आप आगे क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई अगर अतिक्रमण हटाना है तो सभी जगह का हटाया जाए। अच्छा, अतिक्रमण कार्रवाई हो रही है, अतिक्रमण में या तो उसकी परिभाषा हमको समझाया जाए कि अतिक्रमण है क्या। अच्छा, 820 नंबर की जो जमीन है यहाँ, वो जमीन 820 नंबर की जमीन अतिक्रमण है, तो ये कौन सा जमीन है इसकी परिभाषा हमको समझाया जाए, ये भी तो 820 का है, और पंचायत की तरफ से अगर लगाया गया है अतिक्रमण तो कहाँ से कहाँ लगाया गया है इसकी जानकारी देना चाहिए शासन प्रशासन को। तो इस तरह से कोई भी जानकारी नहीं दी जाए, कुछ नहीं। और मेरा उसमें मेरा जो जमीन टूटा फूटा है उसमें अभी विचाराधीन है मेरा केस, मेरा केस भी चल रहा है, अब मुझे 24 घंटा के अंदर में ही मेरे को नोटिस मिला, जबकि इनको 3 दिन के पहले, बाकी लोगों को 3 बजे के पहले मिल गया। हमारी एक ही मांग है, हम स्वयं चाहते हैं कि अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन कोई एक देश में अतिक्रमण किया है उसको आप हटा रहे हो, विगत 30-40 साल से जो आधा आधा एकड़ को जमीन को कब्जा करके बैठे उन पर क्यों कोई नोटिस नहीं लग रहा है? क्या शासन की आँख नहीं दिख रही है, प्रशासन की आँख नहीं दिख रही है? क्या उस अतिक्रमण एकरो जमीन में क्या हमारे ही नाम है? अगर हमारा नाम है तो उसको स्पष्ट किया जाए,
कि पंचायत की तरफ से ऐसा बोला गया क्या कि यहाँ से यहाँ तक तोड़ना है तो उसमें विजय लाल पानसारी का मकान को तोड़ना है और संतोष पानसारी के पान दुकान को खड़ना है और बीच में एक बीच में जो सेवा सेट का है वो 25 डिसमिल उसको कोई छूना उना नहीं है और उसको छोड़ देना है। उसके बाद फिर आगे में अशोक का उखाड़ देना है और बीच में फिर छोड़ देना है। उसके बाद फिर नारायण का उखाड़ देना है। ये पक्षपात की कार्रवाई है। हाँ, हम आपको इस पार्ट में दिखा सकते हैं। इस पर इसका विस्तृत जांच होना चाहिए। मेरी उम्र लगभग 7 साल के आसपास थी, 7-8 साल की। मैं कुछ जन्मजात कुशाग्र बुद्धि से संपन्न आदमी हूँ। मैं ये मेरी कहना चाहिए, ये प्रकृति दिन है मेरा। जिस समय इसकी मीटिंग हुई तो मैं साक्षात वहाँ पर खड़ा था और वहाँ पर ये मांग की गई कि हमको भट्टी लगाना है, भट्टी लगाने के लिए हमको आप लोग ज़मीन दीजिए। तो उस समय इनको विचार करेंगे ऐसा बोले और उसके पश्चात विचार नहीं हुआ तो ज़बरदस्ती इनके ऊपर प्रेशर डाला गया और ये बोला गया कि हमको आप जगह दोगे तो हम आपके यहाँ बिजली लाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, बिजली के बदले, जमीन के बदले बिजली। हाँ, मैं आरा मशीन लगाऊंगा। हाँ। और आप मेरे भट्टी भी लगाऊंगा इसी जगह को। ये हाँ। कब्रिस्तान था पहले। अच्छा। और मैं बिजली भी लाऊंगा ऐसा कह के। हाँ। तो पंचायत की जो ताकत थी वो 2.5 डिसमिल तक की थी। हाँ। तो उनके द्वारा 2.5 डिसमिल जमीन वो एक दबाव के कारण कुछ जातियाँ एक तरफा हो गई और वो उसी जाति से संबंधित था वो। तो बाकी लोग बोल रहे हैं कि दे दो दे दो, 5 आदमी बोलेंगे एक जाति वाले हैं, 5 लोग दे दो, एक जाति वाला क्या करेगा, उसको विवश होकर फिर देना पड़े। ये लगभग आज से 30-35-40 साल पहले की बात है और वो कब्जा करके रखा और उसमें फिर वारा मशीन भी डाल दिया और बीचों बीच मकान का निर्माण कर दिया है जिसमें 25 डिसमिल हमको सुनने को मिल रहा है, नेट में भी देखने को मिल रहा है 25 डिसमिल में काबिज है और पीछे उसका कम से कम 15-17 डिसमिल खुला घास जमीन है और आगे 8-10 डिसमिल घास जमीन है और 40-50 डिसमिल कब्जा करके बैठा है वो। इस टाइप का टैकल किया है वो जमीन को सेट करने के लिए। तो इन सब चीज़ की जाँच होनी चाहिए, विस्तृत जाँच होना चाहिए। और हमको भाजपा शासन में, मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ लेकिन कांग्रेस उस समय भी बड़े बड़े लोगों को सपोर्ट कर रही थी और कुछ कारणवश मैं इनके कारोबार को देख के मैं वहाँ से छिटक गया और ये भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा विश्वास था लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले इस टाइप का अभी कांड कर रहे हैं। इसमें कितने आदमी बेघर हो गए हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं। इतना बड़ा विश्वास दे कि इन पार्टी को वोट दे दिए, वही पार्टी वाले व्यक्ति विशेष को फिर लाभ पहुंचा रहे हैं जैसे पहले कांग्रेस करती थी। उसी का पुनरावृत्ति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अरे मतलब किसी गरीब आदमी को व्यवस्थापित आप करो ना, जिसके पास साला करोड़ों की पूंजी ऑलरेडी पहले से है उसको आप फिर इतनी कीमती जमीन को दे रहे हो। हम 0.5 डिसमिल में हैं, ये 0.5 डिसमिल से ये मुश्किल से 40 फीट की जगह में इसका अशोक का पान दुकान है। ये 40 फीट बोल दो 20 फीट में, अब आप कई हजारों फीट में अतिक्रमण करके बैठे हैं। अगर आपको भी प्रशासन या प्रशासन की तरफ से लीज भी मिलता है तो कानून टेक ही होना चाहिए। आपको मिलता है तो हमको भी मिलना चाहिए, हमको क्यों नहीं मिल रहा है, उसी नंबर की तो जमीन है और ये 10 किलोमीटर के अंदर परिधि के अंदर में है यारा मस्जिद। इस पर क्यों कार्रवाई नहीं कर हो रहा है, क्या इनका आँख नहीं दिखता, क्या ये वन विभाग वालों का दहाड़े साल सभी चीज़ को फाड़ रहे हैं, क्या सागुन क्या सराय सभी चीज़ फाड़ रहे हैं। जो कार्रवाई होना चाहिए उसके ऊपर में तो कार्रवाई हो नहीं रहा है, हो रहा है तो आप सभी के ऊपर करो। हमारे बस इतने ही मांग है, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, जन समूह की ज़रूरत पड़ती है, एक नहीं सैकड़ों आदमी की ज़रूरत है तो हम सैकड़ों क्या 400 आदमी खड़े कर दें इसके बारे में। लिखित में चाहे तो लिखित में दे सकते हैं कि अन्याय हो रहा है, इस पर जाँच होनी चाहिए।